मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। इसमें है इन सर्कल द लाइक फ्रैक्शन। हमको लाइक फ्रैक्शन पर इन सर्कल करना है। अब हमको ये करने से पहले ये समझना होगा कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन वो होता है जिसमें अपर पार्ट न्यूमरेटर और लोअर पार्ट हम डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, ये इनसे फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, तो जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर मतलब लोअर पार्ट जिनका सेम हो, वो सब लाइक फ्रैक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो ये सब सेम है ना, तो ये क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन। इसमें 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, तो ये सेम, तो ये लाइक फ्रैक्शन। तो हमको लाइक फ्रैक्शन पर सर्कल लगाना है। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी, ये तीनों लाइक फ्रैक्शन होगा। इसमें ये सब लाइक फ्रैक्शन होगा, इसमें भी 17 है, 17 है, 17 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन। इसमें 19 है, इसमें 27, मतलब जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो आपको इन पर लाइक फ्रैक्शंस पर सर्कल करने हैं। इसमें सेकंड है इन सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शन। अब जैसे लाइक फ्रैक्शन होता है वैसे अनलाइक, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अब हम इसमें उन पर सर्कल लगाएंगे। जैसे इसके इसके तो सेम है, इनके और इनके सेम नहीं है, तो इन पर हम सर्कल लगाएंगे। ऐसे ही ये 1/16 और 5/18 ये अनलाइक है। ऐसे इसमें 4/21, 6/24 अनलाइक। ऐसे इसमें 2/24 और 6/18 अनलाइक। ठीक है, अब इसके बाद यूनिट फ्रैक्शन हमको इन सर्कल करना है यूनिट फ्रैक्शन को। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनकी जो न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है। जैसे ऊपर 1 होना चाहिए, अपर पार्ट में 1 होना चाहिए। देखिए इसमें 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 1 है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन हो। इसमें भी जिन जिन पर 1 है वो यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही इसमें 1/11, 1/7 ये यूनिट फ्रैक्शन। ऐसे 1/8, 1/2, 1/5 इन सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन पर हमको इन सर्कल करना है। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिनका जो डिनोमिनेटर रहता है वो न्यूमरेटर से बड़ा हो, मतलब इसका लोअर पार्ट है वो अपर पार्ट से बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ 19 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका लोअर पार्ट अपर पार्ट मतलब जो है वो लोअर पार्ट बड़ा है अपर पार्ट से। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमको अपर छोटा होना चाहिए, लोअर बड़ा होना चाहिए, मतलब इसका डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। से 2/3, 5/6 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए इसमें 3/2, यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, इसमें भी छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होंगे। ऐसे इसमें किए। अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर का अपोजिट, मतलब इसका हमको न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इनका भी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी टाइप से जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उन पर हमको सर्कल लगाना है। इसके साथ एक्सरसाइज 10.3 हमारी खत्म होती है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.4 पर। देखिए ये ऐड करना है, फ्रैक्शन को ऐड करना है। फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन है, तो हम एक डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 2 ले लेंगे और अपर पार्ट को प्लस कर देंगे। 1 and 1 8 हो जाएगा 2। अब हम को 2 को हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, इनको शॉर्ट भी कर सकते हैं ना, 2 1 2। ऐसे ऐसे यहाँ पर डिनोमिनेटर इसमें भी 3 है, इसमें भी, ये सब लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन के जितने भी हम प्लस करते हैं उसमें हमको जो डिनोमिनेटर दिया होता है वही ले लेना होता है वन टाइम में, और बाकी अपर पार्ट्स में जितनी भी डिजिट्स होती हैं उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐड किया, 2 + 1 = 3, और 3 and 3 ऐसे इनका एलसीएम लेते हैं, तो आप एलसीएम जब लेंगे तो भी 3 आएगा। और अगर आप चाहें कि ये लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर आप 3 लिख सकते हैं इसमें। अब इसको भी हम डिवाइड करके शॉर्ट कर लेंगे। इसी टाइप से ये सारे सम हमने किए, इसको कॉपी में आपको पीडीएफ दिए जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको इनको देखकर करना है ना। ऐसे ही सेम यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है, यहाँ इसमें 3 फ्रैक्शन है। ठीक है, देखिए ये सभी लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम लाइक फ्रैक्शन है। तो भले 2 फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन हो, 4 फ्रैक्शन हो, हमको लाइक फ्रैक्शन है तो जो डिनोमिनेटर इनमें दिया होता है वही लेना है, और अपर पार्ट के सारे डिजिट को प्लस करना है ना। ये आपको कॉपी में करके बताए जाएंगे। तो जैसे हम प्लस करते हैं वैसे ही सेम हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, साइन चेंज होगा, प्रोसेस वही रहेगी
जैसे यहाँ पे 3/8, 1/8, इसमें हम फ्रैक्शन लेंगे, 3-2 करेंगे, सॉरी 1 करेंगे, 2 आ जाएगा। अब इसको हम इसको शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं तो करेंगे, 2 की टेबल से इसको हम डिवाइड करें, 2 × 2, 2 × 4 = 8, है ना। जो शॉर्ट हो सकते हैं उनको शॉर्ट करना है हमको, जो नहीं हो सकते उनको नहीं करना। ऐसे ही हम एक्सरसाइज 10.5 माइनस में करेंगे। आपको कॉपी में इसके PDF दिए जाएंगे। ये वाले ये भी ऐसे ही करना है हमको, माइनस ही करना है, लेकिन इसमें हमको ध्यान रखना है कि जो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा वाला होना, उसको आगे रखना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1/17 नहीं, यहाँ पे 5/17, तो हम पहले 5/17 को लिखेंगे, फिर 1/17 को लिख के माइनस करेंगे, ठीक है। अब ऐसे इसके टिक द करेक्ट देख लेते हैं। 4/7 द न्यूमरेटर इज़, 4/7 में न्यूमरेटर क्या है, 4 है, अपर पार्ट न्यूमरेटर होता है। 3/13 में डिनोमिनेटर क्या है, 13 है, लोअर पार्ट डिनोमिनेटर होता है। अब इसमें देखिए 3/4, 4/7, 5 यूनिट फ्रैक्शन इसमें बताना है हमको, तो यूनिट फ्रैक्शन जो है वो 1/3 इसमें यूनिट फ्रैक्शन है, इसको यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसमें बताना है लाइक फ्रैक्शन, इसमें लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन है, तो 3/5 and 2/5 इसमें लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। PDF से आप अपनी कॉपी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।